गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, नए साल के मौके पे मैं चाह रहा था कि कुछ मैसेज मैं आपको दूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि शुरू कहाँ से किया जाए, क्या कहा जाए। तो सेशन को शुरू करते हुए आप अपना राय मुझे कमेंट में बताएं, कैसे क्या कुछ कहा जाए, कैसे बात किया जाए। इस 2023 के बीते समय, बीते फलसफे को ओवरकम करते हुए, कंप्लीट करते हुए, पूरा करते हुए नए साल 2024 का नया सवेरा में हम लोग एक नए उम्मीद के साथ सफलता का नया आयाम चुनने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे। इस नए साल पे न्यू ईयर रेजोल्यूशन, एक संकल्प लेंगे कि आने वाले 2024 में पिछले 2023 तक जो भी उम्र रहा हो, 2023, 2022, 2021, 20 साल, 22 साल, 25 साल, जो भी एज रहा हो आपका, इन बीते समय में जो कुछ आपने सीखा, इसके लिए भगवान को धन्यवाद कहेंगे। 2024 में नए साल के नए मौके पे नए जोश के साथ सफल होने के लिए निरंतर अथक प्रयास में अपना योगदान देंगे। बहुत सीरियस बातें भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि समय जो बीत रहा है, हर एक साल बीत जाता है, समय निकल जाता है, हमारी आयु एक साल घट जाती है, ठीक है? तो ये क्या सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? हम अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारे जगहों पे चूक जाते हैं, बहुत सारे जगहों में हम कुछ सफल भी होते हैं, कुछ उपलब्धियां हमारे जीवन की है, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ चीजें हमने खो दिया। तो जो खो दिया उसके लिए पछतावा करने की जरूरत नहीं है, जो पाए उसके लिए ज्यादा जश्न भी नहीं मनाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पाने के लिए समय अभी बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें पानी है। तो नए साल में नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और आप मिलके कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और नो डाउट बेहतर होगा, ठीक है? आप मुझे कमेंट में अपनी राय बताएं कि न्यू साल के उपलक्ष्य पे क्या मैसेज पहुंचाया जाए लोगों तक, कुछ अपनी कहें, कुछ मेरी सुने, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग। आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं मूड। मूड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? मूड इज अ मोड ऑफ मैनर, मूड इज अ मोड और मैनर इन विच द एक्शन डिनोटेड बाई वर्ब द एक्शन डिनोटेड बाई वर्ब इज रिप्रेजेंटेड। मूड इज अ मोड और मैनर इन विच द एक्शन डिनोटेड बाई वर्ब इज रिप्रेजेंटेड। क्लियर है? ये है मूड का डेफिनेशन। मूड है क्या? कोई अगर पूछे कि व्हाट इज मूड, तो क्या कहेंगे? तो मूड एक मोड है, तरीका, मैनर है, जिसके द्वारा एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब इज रिप्रेजेंटेड। वर्ब कोई एक्शन डिनोट करता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है मूड और मैनर। द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब इज रिप्रेजेंटेड, ये होता है मूड। समझ रहे बात को? आगे मूड का टाइप कितना है देखेंगे। टाइप्स ऑफ मूड, ठीक है? तीन होता है। क्या क्या? पहला, द फर्स्ट वन इज इंडिकेटिव मूड, द फर्स्ट वन इज इंडिकेटिव मूड। दूसरा, द सेकंड वर्ड इज इंपरेटिव मूड। एंड तीसरा, द थर्ड वन इज सबजंक्टिव, JUNCTIV, सबजंक्टिव मूड। अब सबजंक्टिव मूड दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सबजंक्टिव, पहला है प्रेजेंट सबजंक्टिव, और दूसरा है पास्ट सब्जेक्टिव।
ठीक है, प्रेजेंट सबजंक्टिव और पास्ट सबजंक्टिव, ठीक है, नोट करेंगे इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे बारी बारी से देखते हैं क्या प्रेजेंट क्या पास्ट। तो पहला द फर्स्ट वन जिसको बोलते हैं इंडिकेटिव मोड, ये क्या होता है? इंडिकेटिव मूड होता है अ वर्ब विच रिप्रेजेंट अ वर्ब विच रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन। इंडिकेटिव मूड क्या करता है? ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देता है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और क्या करता है? सवाल पूछता है, आस्क अ क्वेश्चन। ठीक, आगे देखिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और दूसरा आस्क अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड आस्क अ क्वेश्चन, देखिए मेरी बात समझिए ध्यान से। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई अगर पूछे कि क्या कैसे तो क्या बताएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई भी सब्जेक्ट प्लस बी वन बी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे राम गोज टू अ स्कूल, कोई भी राम गोज टू अ स्कूल, सिंपली कोई स्टेटमेंट दे, जैसे द चाइल्ड इज अलाइव, बच्चा जीवित है, द चाइल्ड इज अलाइव, इट इज कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड है, इट इज कोल्ड आउटसाइड, तो ये सब क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, दिस इज इंडिकेटिंग मूड, दैट शोज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है? आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन सवाल पूछना, जैसे क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? वुड यू लाइक टू कम विथ मी, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? तो ये है बच्चे लोग इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड क्या दिखाता है? ये बताता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ये सवाल पूछने के काम में आता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, द सेकंड वन इज इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड क्या होता है? इंपेरेटिव मूड होता है अ वर्ब विच रिप्रेजेंट अ वर्ब विच रिप्रेजेंट अ वर्ब दिस इज यूज कर लेंगे अ वर्ब Which is used to show command. A verb which is used to show command. Or to show command or exhortation. टू सो कमांड और एक्सॉर्टेशन और एंड इंट्रीटी और प्रेयर एंड इंट्रीटी और प्रेयर। एंड इंट्रीटी और प्रेयर, ठीक है, ये दिखाता है इंपरेटिव मूड। क्या दिखाता है समझो, ये दिखाता है कमांड, ठीक है, एक दिखाता है एग्जॉर्टेशन, ठीक है, और एक दिखाता है इंट्रीटी या प्रेयर। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए, तो इट इज इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड क्या दिखाता है बच्चे लोग? कमांड, एग्जॉर्टेशन और इंट्रीटी और प्रेयर। होता है क्या है, बारी बारी समझते हैं इस चीज को।
तो पहला आता है कमांड, द फर्स्ट वन इज कमांड। कमांड क्या होता है? तो जो वर्ड कमांड है, जैसे ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक ग्लास पानी दो, मुझे एक ग्लास पानी दो, मेरे लिए एक पानी दो, ठीक है? सिंपली कोई भी कोई चीज, जैसे गिव मी योर फोन, गिव मी योर फोन, जैसे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, क्वाइट देखिए वर्ड तीन होता है, मेरी बात समझिए। एक वर्ड है क्यू यू आई टी ई, एक वर्ड है क्यू यू आई ई टी, और एक वर्ड है क्यू यू आई टी क्विट। और आप शायद जानते होंगे, मैंने आपको बता रखा है क्यू यू आई टी क्वाइट, क्यू यू आई ई टी क्विट और क्यू यू आई टी क्विट, ये वर्ब है नीचे वाला, ऊपर में जो है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, और ये जो क्वाइट है नाउन है, सान। ऊपर वाले का मतलब, इसका मतलब क्यू यू आई टी क्वाइट, जैसे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट ये वाला, सॉरी क्यू यू आई ई टी, कीप क्वाइट मतलब शांत बने रहे, तो ये नाउन है, इसका मतलब होता है शांत। क्यू यू आई टी क्वाइट, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली। और ये क्यू यू आई टी क्विट वर्ब है, इसका मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। ये वर्ड कहीं पे कोट कर लेंगे, ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए, आपको जानना चाहिए, त्यागना या छोड़ना, ठीक है? एक मूवी है थ्री इडियट, आपने देखा होगा। उस थ्री इडियट मूवी में एक कैरेक्टर प्ले रोल प्ले करता है, वो जो एक व्यक्ति होता है हीरो, क्या नाम था उसका, जो उसको असाइनमेंट मिलता है, नाम बोल रहे हैं उसका, और उसको बनाता है ड्रोन, उड़ने वाला ड्रोन कैमरा। और जो प्रोफेसर होता है, ठीक है, वायरस, तो वो व्यक्ति उसका प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता है। बाद में आमिर खान उस प्रोजेक्ट को बनाता है, उसको बनाता है, सरप्राइज देता है, जिसमें आपने वो गाना सुना होगा, बहुत फेमस गाना है, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। नहीं, बहुत इंस्पायरिंग गाना है, बहुत जबरदस्त। इस गाने के लिरिक्स सुनेंगे आप, बहुत इंस्पायरिंग गाना है। इसमें आगे अंतरा है इंग्लिश का कि गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेस्ट, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप वंस अगेन, आपने शायद सुना होगा। उसमें वो व्यक्ति सुसाइड करता है, सुसाइड करने से पहले पीछे एक दीवार पर नोट लिखता है, आई क्विट, क्यू यू आई टी, ये वाला। ये क्विट का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, मैंने अपना जीवन छोड़ दिया, मैं अपना जीवन छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा। चलिए, तो हम लोग बात करें किस पे, इंपरेटिव मूड पे। इंपरेटिव मूड क्या दिखाता है? इंपरेटिव मूड दिखाता है कमांड, ठीक है, एग्जॉर्टेशन और इंटरेटिव और प्रेयर। ये देखिए, ये रहा कमांड, कमांड के एग्जांपल हम देख लिए हैं, दिस कमांड, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, गिव मी योर फोन, कीप क्वाइट, ये सब कमांड है। आगे देखो, दूसरा वर्ड है एन एग्जॉर्टेशन, एन एग्जॉर्टेशन, ये होता क्या है? एग्जॉर्टेशन का मतलब होता है, मेरी बात समझेंगे ध्यान से, एग्जॉर्टेशन का मतलब जैसे हैव मर्सी अपॉन अस, हैव मर्सी अपॉन अस, मेरी बात समझ आ रही है? Give us our daily food. Sorry, माफ करेंगे, चलो ये entreaty है, ये है entreaty। Exhortation का मतलब था exhort करना, कोई चीज करने के लिए motivate करना, जैसे जैसे take care of your health, take care of your health, जैसे try to do better, always try to do better, always try to do better, ठीक है? ये होता है exhortation। exhortation का मतलब किसी को provoke करते हैं, कुछ inspire करते हैं अच्छा करने के लिए, जैसे
टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने सेहत का ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। जैसे ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर, हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, ये सब होता है एग्जॉर्टेशन। नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट वन इज एन एंट्रीटी और प्रेयर, तीसरा एन एंट्रीटी और प्रेयर, एन एंट्रीटी और प्रेयर। एंट्रीटी और प्रेयर का मतलब होता है क्या, याचना करता। एंट्रीटी वर्ड जो है, वर्ड है, एक वर्ड है एंट्रीट, एंट्रीटी, एंट्रीट, इंप्लोर, अर्ज, रिक्वेस्ट, प्ली, PLEA, प्ली, ये सब का मतलब होता है, ये सब वर्ब है, इन सब का मतलब होता है प्रार्थना करना, याचना करना, प्रार्थना करना या याचना करना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग बात करते हैं इस पे, एंट्रीटी और प्रेयर, एन एंट्रीटी और प्रेयर, इसको नोट कर लेंगे सभी लोग, वर्ड को नोट करेंगे पूरा, कंप्लीट बाय कंप्लीट, वर्ड बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आइए, द नेक्स्ट इज, तो एन एंट्रीटी और प्रेयर, एंट्रीटी क्या होता है, जैसे हम इसमें देख लेते हैं, एन एंट्रीटी और प्रेयर, इन सब का मतलब प्रार्थना करना, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, वर्ड बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ड पे थोड़ा जम के काम किया जाए तो ये आपको बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस देता है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है एंट्रीटी और प्रेयर, जैसे किसी से याचना करना, जैसे हैव मर्सी अपॉन अस, भगवान हम पे दया दिखाए, हैव मर्सी अपॉन अस, ठीक है। जैसे गॉड गिव अस आवर डेली फूड, गिव अस आवर डेली फूड, धरती पे जो भी व्यक्ति जन्म लिया है मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु जानवर इंसान सब, हर किसी के लिए भगवान ने, हर किसी के जो भी धरती पे आए हैं, हर किसी के लिए उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था पहले से हो चुकी है, मालूम है। हम और आप इंसान जानवरों को देखो, उनको कोई चिंता नहीं होती, हम और आप जो है हमेशा ईर्ष्या द्वेष जलन मोह, ठीक है, कप छल कपट चोरी क्या नहीं करते, केवल अपने फायदे अपने सुख के लिए, और अल्टीमेटली मिलता क्या है, वही चार रोटी आप खाएंगे, वही चार रोटी एक मजदूर भी खाता है, एनफ सेम, ठीक है। आपने भी, आपको पेट भरना है, मजदूर को भी पेट भरना है, जानवर को भी पेट भरना है, काम एक ही हो रहा है, बस हम और आप अपने लालच के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हमको लगता है कि हम अपना जीवन को अच्छा बनाएंगे, हमारे अंदर कितनी सारी छल कपट है, हम दूसरे को नुकसान पहुंचा, दूसरे को तकलीफ देते हैं, रुलाते परेशान करते हैं, ठीक है। आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान ना पहुंचे, क्लियर है। और हम प्रयास करते हैं इंसान बनने का, लेकिन भगवान ने जितने भी जीव जंतु जानवर कीड़े मकोड़े जो भी है, हर किसी के लिए उनके जीवन यापन के लिए, उनके पेट भरने के लिए व्यवस्था पहले से कर रखा है भगवान, ठीक है। गिव अस आवर डेली फूड, एक भिखारी जो मंदिर के बाहर बैठा रहता है उसको भी एट द एंड ऑफ योर डे, एट द एंड ऑफ हिज डे, ही गॉट हिज फूड, ही गेट हिज फूड, क्लियर है, उसको पेट भरने के लिए भोजन मिल जाता है, और एट द एंड ऑफ आवर डे वी ऑल्सो गेट फूड, हम लोग भी खाना खाते हैं सो जाते हैं, तो क्या फिर फासला है। हम जो परेशान है सुबह से रेडी हो करके जूता और टाई लगा के भागने शुरू कर देते हैं, यहाँ वहाँ इस बॉस की, इसके ये, इसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो, इसके तलवे चाटो, सो मैनी, एक भिखारी आराम से मंदिर के बाहर बैठा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, हम फालतू का इतना परेशान रहते हैं, ठीक है। चलो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन में तरक्की के लिए कुछ ना करें, करें, लेकिन उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, ये होना चाहिए इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी, दिस इज द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, वी शुड अंडरस्टैंड दैट, हम अपने खुशी के लिए, अपने फायदे अपने स्वार्थ के लिए, खुद को खुश, खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए सामने वाले को कुछ जरूर जरूर बोलते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, बुलाते हैं, परेशान करते हैं, खैर, एंट्रीटी और प्रेयर, गिव अस आवर डेली फूड, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे दया दिखाएं,
भगवान हमारा आज का भोजन प्रोवाइड कराए। चलिए ये है इंट्रिटी और प्रेयर। अब आ रहा है नेक्स्ट, आपने देख लिया, हम लोग देखें ये देखिए थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। आप पहला था मूड, मूड क्या है, एक मोड और एक मैनर जिससे कि एक्शन डिनोट कर रहा है, वर्ब द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वर्ब कोई काम कर रहा है। मूड से बोलेंगे क्या बोलेंगे कि अगर कोई वर्ब कोई काम कर रहा है उसको डिनोट कराने का प्रक्रिया को ही बोलते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका को मूड। अब मूड है क्या, ये देख लिया आपने, मूड होते कितने हैं तो तीन टाइप, पहला है इंडिकेटिव, दूसरा इंपरेटिव और तीसरा सबजंक्टिव। सबजंक्टिव दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। आगे देखते हैं प्रेजेंट सबजंक्टिव, सॉरी पहला इंडिकेटिव मूड जो है, इंडिकेटिव मूड में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिखाते हैं और दिखाते हैं सवाल पूछते हैं, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, राम गोज टू अ स्कूल, द चाइल्ड इज अलाइव, इट इज कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड है, ये सब क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, सिंपल। आस्क अ क्वेश्चन, जैसे आर यू ओके, वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे, सवाल पूछ रहा है, तो ये है क्या इंडिकेटिव मूड। आगे देखो इंपरेटिव मूड क्या दिखाता है, कमांड, एग्जॉर्टेशन, इंट्रीटी और प्रेयर। ये देखिए कमांड, कमांड में जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ, जैसे गिव मी योर फोन, अपना फोन मुझे दो, कमांड है। जैसे कीप क्वाइट, शांत बने रहो, ये सब क्या है, कमांड। एग्जॉर्टेशन क्या है, किसी को कुछ अच्छा करने के लिए प्रोवोक करना, मोटिवेट करना, दैट इज एग्जॉर्टेशन, एग्जॉर्ट करना, ठीक है। तो जैसे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बी केयरफुल, टेक केयर, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर, हमेशा अच्छा करने का प्रयास करें। स्टे काम, स्टे काम मतलब शांत बने रहे, हमेशा शांत बना रहना चाहिए। चलिए आगे देखिए, स्टे काम में क्या है, एग्जॉर्टेशन, स्टे काम। चलिए आगे है नेक्स्ट है एंट्रिटी और प्रेयर। एंट्रिटी और प्रेयर मतलब क्या है, एंट्रिटी और प्रेयर का मतलब होता है याचना करना। याचना करने के लिए वर्ड पसंद, मैंने आपको बताया था, an entreaty or prayer, ठीक है, entreaty or prayer, have mercy upon us, give us our daily food, ये क्या है, भगवान को, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पे दया दिखाओ, हमारे हर दिन के भोजन खाने का जो है, हमारा जो कोटा है, हमारा जो हम जो डिजर्व करते हैं वो हमें प्रोवाइड कराया जाए, दैट इज entreaty or prayer। अगला है द थर्ड वन इज subjunctive mood, द थर्ड वन इज सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड क्या होता है, मेरी बात समझ रहे हैं, सबजंक्टिव मूड में पहला दो होता है ना, एक प्रेजेंट सबजंक्टिव और एक पास्ट सबजंक्टिव। तो प्रेजेंट सबजंक्टिव बोलेंगे किसको, प्रेजेंट सबजंक्टिव बोलेंगे किसको, तो ये रहा प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक टर्म आता है ऑप्टेटिव, मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का टाइप कितना पढ़ा है, कमेंट करेंगे सभी लोग, सेंटेंस का टाइप कितना, सेंटेंस का टाइप कितना, 14, यस गुड सर, 14 पे बात कर चुके हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे सभी लोग, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या दिखाता है, बहुत अच्छा, विश, ब्लेस, कर्स, डिजायर और प्रे, ये सब दिखाता है क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस, विश, ब्लेस, कर्स, डिजायर और प्रे, सब। चलिए तो प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड होता क्या है, इस पे बात करेंगे। आइए ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे May he return safe, भगवान करे वो सुरक्षित घर लौट आए, May he return safe, भगवान तुम्हारा भला करे, May God bless you, May God bless you, ठीक है। ये है subjunctive mood, present subjunctive mood, इसका होता है दे, नेक्स्ट होता है
प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में है दूसरा नंबर टू। सब्जंक्टिव मूड समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? सब्जंक्टिव मूड होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस करने का मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस कहने का मतलब क्या? प्रेजेंट सब ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें से बेस बीस कस वेयर का सेंस देगा, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, दूसरा एक तो ऑप्टेटिव, दूसरा नाउन क्लॉज Expressing desire, intention, intention or resolution. Desire, intention or resolution. ठीक है, ये है हम लोग देख रहे हैं सब्जंक्टिव में प्रेजेंट सब्जंक्टिव। पहला था ऑप्टेटिव सेंटेंस और उसका दूसरा है कि नाउन क्लॉज एक्सप्रेस करेगा क्या, इंटेंशन, डिजायर या रिजोल्यूशन। देखिए जैसे आई मूव दैट मिस्टर गुप्ता बी अपॉइंटेड, आई मूव दैट मिस्टर गुप्ता बी अपॉइंटेड अ चेयरमैन। तो ये क्या है, दिस इज एग्जांपल, दिस क्या एग्जांपल, मैं सहमत हूं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड लीव We should leave this hotel. Early morning. It's suggested that we should maintain humanity. We should maintain humanity. तो ये क्या हो गया बच्चे लोग? This is present subjunctive mood. Past subjunctive mood बहुत जबरदस्त है ये, इसमें से सवाल पूछा जाता है। जैसे काफी समय हो गया मुझे कॉलेज छोड़े हुए, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोले? जैसे वो मरना पसंद करेगा लेकिन तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं, वो मरना पसंद करेगा लेकिन तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? जैसे 5 साल हो गए मुझे उसे देखे हुए, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो ये सीखने के लिए, और ये सवाल बैंक में और एसएससी में मेंस में पूछता है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर छुपा है किसमें? मूड में। और मूड का एक सेशन और 15 मिनट का 20 मिनट का और जाएगा। आपने इसमें देखा प्रेजेंट इंडिकेटिव मूड, इंपरेटिव मूड और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, ये आधा था। एक है पास्ट सब्जंक्टिव मूड जो अगले क्लास में करेंगे। गुड नाइट, सुभ रात्रि।